गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइज आज है सैटरडे और अभी बज रहा है शाम के 6:30। आज सुबह से कोई व्लॉग नहीं मतलब स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि आज ना सुबह ये ड्यूटी से आने के बाद हम लोग सो गए थे अच्छे से, क्योंकि काफ़ी दिनों से नींद ही पूरी नहीं हुई थी, तो हो रही थी तो तबीयत भी खराब थी कुछ दिनों से, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं नींद पूरी ले लूँ, मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि आज अद्विक की छुट्टी थी। हर सैटरडे संडे अद्विक की छुट्टी रहती है, तो आज अद्विक की भी छुट्टी थी, आज अद्विक सुबह स्कूल नहीं गया था, तो फिर जैसे ये ड्यूटी से आए तो हम लोग सो गए थे। और माही की भी 12 बजे तक ही स्कूल रहती है आज के दिन, मतलब सैटरडे के दिन, तो माही भी जल्दी आ गई थी, तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को भी सुला देते हैं और हम भी सो जाते हैं, थोड़ा सा हमें भी मतलब नींद पूरी हो जाए, इनकी भी नींद पूरी नहीं होती है अच्छे से, इनको भी सुबह ही उठना पड़ता है ड्यूटी की वजह से, तो इनका भी वैसे ही हाल है, मेरे जैसे हाल है, मुझे भी थोड़ा सा रात को जगना पड़ता है वीडियो एडिटिंग की वजह से, तो वैसे ही मतलब उनकी ड्यूटी की वजह से वो नहीं सो पाते हैं, मेरी ड्यूटी की वजह से मैं नहीं सो पाती हूँ, तो आज दोनों ने भी अच्छे से रेस्ट ली और अभी उठे हैं, अभी चाय वगैरह पी है मैंने, थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो फिर आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट करते हो और फिर ब्लॉग नहीं आता है तो मुझे भी बुरा लगता है, एक्चुअली आप लोगों से बातें करने का इतना मतलब वो हो गया है, आदत हो गई है कि एक दिन भी ब्लॉग नहीं करती ना एकदम सुना सुना सा लगता है। उस दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, तबीयत खराब थी, तो उस दिन मैं इनको बोल भी रही थी कि यार मुझे ऐसे सुना सुना क्यों लग रहा है, पता नहीं आज ऐसे अजीब लग रहा है, मेरी लाइफ मतलब थम सी गई है ऐसा लग रहा है मुझे, तो आप लोगों के कमेंट जब तक नहीं पढ़ती हूँ मैं डेली, या आप लोग जब तक कमेंट नहीं करते हो, या आप लोग जब तक मुझसे बात नहीं करते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ थम गई है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो इस वजह से मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई है, काम करने में लग जाते हैं, क्योंकि काम भी बहुत सारे पड़े हैं, शाम की क्लीनिंग तो हो चुकी है घर के, क्योंकि उठने के बाद शाम की क्लीनिंग की, उसके बाद अभी फ्रेश हुई हूँ, पहले मैंने चाय ले ली क्लीनिंग होने के बाद, फिर अभी फ्रेश हुई हूँ, थोड़ा सा पानी वगैरह मारा मुँह पे। हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि यार मेकअप बहुत ज़्यादा करती हूँ, यार मेकअप क्या है यार, उस दिन भी मतलब उस पर कमेंट आया था कि बहुत सारा मेकअप करती हूँ और क्या बोलते हैं तो स्टैचू जैसी लगती हूँ मेकअप करने के बाद, आर्टिफिशियल स्टैचू जैसी लगती हूँ, यार स्टैचू मतलब मुझे समझ में नहीं आता मैं मेकअप क्या करती हूँ, आप देख लो, सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ वो भी न्यूड वाली, और आप लोगों के साथ मैंने डेली मेकअप शेयर किया है, एक बीबी क्रीम अप्लाई करती हूँ वो भी कभी करती हूँ कभी नहीं करती हूँ, घर में रहती हूँ तो ज़्यादातर बीबी क्रीम अप्लाई नहीं करती हूँ, सिर्फ काजल लगाती हूँ, काजल तो मुझे चाहिए होता है क्योंकि काजल के बिना मेरा नहीं होता है, और आप भी मुझे काजल के बिना देख लोगे ना तो मैं बीमार बीमार से लगूंगी, एक दिन भी मैं अगर काजल नहीं लगाती तो ये मुझे बोलने लगता है कि मैं बीमार हो गया, मतलब आप बीमार हो गया अपने मतलब आप फेस पे कुछ अलग सा लग रहा है, तो इस वजह से काजल तो मुझे लगाना ही होता है, काजल के बिना मेरी आईज सुनी सुनी सी लगती हैं, और एक लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ और बस थोड़ा सा आईब्रो फिल करना होता है तो वो कर लेती हूँ, यार लाइनर लगाती हूँ, तो इसमें ये मतलब मेकअप किसे कहते हैं आप लोगों को पता है, मेकअप जो फेस पे हम लोग फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं या लेयर लगाते हैं एक पर एक, उसे मेकअप कहते हैं, फेस पर मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, फेस पर कभी कभी पाउडर लेती हूँ, वो भी मेरा वो फेवरेट वाला क्या बोलते हैं व्हाइट टोन वाला पाउडर, वो बस हाथों से ऐसे से लेती हूँ, मुँह पे ऐसे थोप देती हूँ और बस लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ, तुरंत आना होता है मुझे क्योंकि घर में इतने काम होते हैं कि व्लॉगिंग भी करनी होती है और आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा दिखूँ तो भी आप लोग मतलब फ्रेश होके देखोगे यार, नहीं तो फिर मैं ही आपको डल डल दिखूंगी तो आप क्या देखोगे, तो जाने दीजिए, मतलब उनकी थिंकिंग है यार मैं मेकअप नहीं करती हूँ, और बाहर भी गई थी उस दिन, क्या मैंने अप्लाई किया था, ब्लश भी अप्लाई नहीं किया था, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं किया था, फाउंडेशन तो छोड़ ही दो, सादा बीबी क्रीम अप्लाई की थी मैंने और लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क लगा ली थी, क्योंकि मैं लिपस्टिक न्यूड लगाती हूँ तो आप लोगों को लग रहा होगा कि लिपस्टिक मैंने डार्क लगाई, बहुत सारा मेकअप किया था, बहुत सारा मेकअप नहीं किया था, बस एक लाइनर लगा लिया था वही जो मैं डेली करती हूँ, और बहुत लेट हो गया था उस टाइम, मुझे एक और वीडियो भी शूट करना था, तो इस वजह से मैंने सिंपल सी रेडी हुई थी, बस बीबी क्रीम अप्लाई की थी, पाउडर लगाया था, लिपस्टिक डार्क वाली अप्लाई की थी, डार्क वाली लिपस्टिक कौन सी थी, शुगर की रेड लिपस्टिक थी वो अप्लाई की थी, शुगर की लिपस्टिक इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि शुगर की अगर एक लिपस्टिक ही आप लगा लेते हो ना तो बस आपका पूरा मेकअप इतना अच्छा दिखता है ना कि आप क्या बताओ, मैं मुझे शुगर की लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके शेड ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मैंने शुगर की लिपस्टिक अप्लाई की थी, मुझे ना कहीं जल्दबाजी में जाना होता है तो मैं शुगर वगैरह की लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा उससे लुक बहुत अच्छा आ जाता है, तो इसी वजह से वो अप्लाई की थी, और आप लोग मतलब आप बहुत ज़्यादा नहीं यार मुझे ऐसे ज़्यादा कमेंट नहीं आते हैं, एक दो मतलब एक बंदे ने ऐसे बोल दिया था, एक बंदे ने या बंदे ने पता नहीं कुछ कौन किसके आईडी थी, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि आर्टिफिशियल स्टैचू लग रही हो, इतना मेकअप मत किया करो वगैरह वगैरह,
चलिए मैं काम में लग जाती हूँ, बहुत बातें होंगी। गाइज यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ राजमा। तो वहाँ पर मैंने कढ़ाई में प्याज जो है वो भूनने के लिए रख दिया है। प्याज और थोड़ा सा दालचीनी और तेज़पत्ता ये मैं भून ले रही हूँ अच्छे से। और यहाँ पर मैं सीटी लगा दूंगी राजमा को, मतलब राजमा में पानी डाल के कुकर चढ़ा दूंगी। तो थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा तेज़पत्ता भी उसमें ऐड कर दूंगी। तो और सीटी लगा लूंगी। और ना थोड़ा सा ये राजमा ना जल्दी नहीं पकता है, तो इससे ना थोड़ी सी ज़्यादा सीटी लगानी पड़ती है, मतलब 10 से 12 सीटी लगानी पड़ती है तब जाके ये राजमा पकता है। तो यहाँ मैंने टोमेटो भी उसमें ऐड कर दिया है, मतलब जो प्याज है उसमें टोमेटो भी ऐड कर दिया है लंबा लंबा काट के। ये जो मसाला है वो अच्छे से मैं पका लूँगी, मतलब भून लूँगी। टोमेटो प्याज और वो जो दालचीनी और सारा कुछ डाला है मैंने, तो वो सब अच्छे से भून लूँगी। और इसके बाद हमें इसे पीसना है, मतलब जो ग्रेवी बनानी है हमें उसके लिए ये पीसना है हमें। तो बस ये जो मसाला है वो ठंडा होने देंगे, मतलब प्लेट में निकाल लूँगी और इसे ठंडा होने दूँगी। उसके बाद मैं इसे पीस लूँगी अच्छे से। तो जो राजमा है उसमें भी अच्छे से सीटी लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाए, मतलब ज़्यादा देर तक सीटी लगानी है इसे। और यहाँ पर मैं भून रही हूँ जीरा, क्योंकि मैंने जीरा पाउडर बना के नहीं रखा था, तो इसमें जीरा पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर जीरा भून रही हूँ ताकि मैं इसका जो पाउडर बना लूँगी। और ना जीरा पाउडर थोड़ा सा ना ताज़ा ही बनाओ तो अच्छा रहता है। वैसे जीरा पाउडर की अगर पाउडर बना के रख दो तो थोड़ा सा टेस्ट उसकी ख़राब हो जाती है, टेस्ट मतलब चली जाती है। वैसे ही मैं जो धनिया है उसे भी ताज़ा ताज़ा ही भूनती हूँ, मतलब मैं घर पे ही धनिया पाउडर बनाती हूँ, इसी वजह से भून लेती हूँ थोड़ा सा धनिया और ताज़ा ताज़ा ही, मतलब 8 दिन तक चल जाए उसकी पाउडर। इस तरह से थोड़ा सा ही धनिया पाउडर मैं बनाती हूँ और 8 दिन तक मेरी चल जाती है। तो उससे ना आपकी टेस्ट भी अच्छी रहती है, मतलब धनिया पाउडर की, और ज़्यादा दिन रखने से ना उसकी स्मेल भी चली जाती है और टेस्ट भी नहीं आती है। तो इसी तरह से मैं पाउडर जो है जीरा का वो भी ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ, मतलब थोड़ा सा ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है और उसमें कड़ी पत्ता ऐड किया है, और यहाँ पर मैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड किया है मैंने। और अच्छे से मैं इसे चला लूँगी ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए और इसका कच्चापन चला जाए और ये अच्छे से भून जाए। तो ये भून जाने के बाद हमें उसमें ऐड करना है जो जो हमने पेस्ट बनाई थी प्याज टोमेटो एंड उसकी, तो वो सारी चीज़ों की पेस्ट हमें उसमें ऐड कर देनी है और इसे भी अच्छे से भून लेना है आपको। तो मसाला ये जल्दी बन जाएगा क्योंकि ना ये पहले ही भुना हुआ है, मतलब हमने टोमेटो भी भून लिया था पहले ही और प्याज भी भून लिया था, तो ये जल्दी मसाला भून जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे भुनने में। फिर हमें स्पाइसेस ऐड करने हैं उसमें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च पाउडर और धनिया पत्ता, सॉरी धनिया पत्ता बोल रही, धनिया पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी है और जो हमने जीरा पाउडर बनाया था वो भी हमें ऐड कर देना है उसमें। और बस ये सारी चीज़ें हमें ऐड करने के बाद हमें अच्छे से उसे चला लेना है, मतलब अच्छे से वो भून लेना है उसे सारी चीज़ों को, और उसमें पानी ऐड करना है बाद में। और पानी ऐड करने के बाद ना उसे थोड़ी देर हमें ढक के रख देना है, मतलब उसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहे, मतलब ढक के रखना है और जो उसका कलर है वो भी अच्छे से आ जाए उसमें। तो इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी, जो मैंने बर्तन में पीस लिया था उसमें ही थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है और वही मैंने पूरा पानी ऐड कर दिया है। और ये जो मसाला है ये हमें अच्छे से अभी इसको स्टीम ले लेनी है, तो इसे अभी ढक के रख देना है हमें ताकि ये जो मसाला है अच्छे से पक जाए और इसकी जो कलर है इसका, इसको कलर चेंज हो जाएगा अभी, हम लोग ढक के रख देंगे उसके बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आया है इसका और ये मसाला अच्छे से भून गया है। तो उसके बाद हम लोग जो हमने बॉईल कर लिया था राजमा वो हम इसमें डाल देंगे, और उसके बाद ना थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर देंगे क्योंकि हमने राजमा में भी नमक ऐड कर किया था, तो थोड़ा सा ध्यान से ही नमक ऐड करना है। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और फिर इसे ढक के रख देंगे, थोड़ी देर पका लेंगे राजमा के साथ। गाइज यहाँ पर मैं कर रही हूँ मेरा सबसे ज़्यादा जान पे आने वाला काम, तो यही आप लोगों को मैंने काफ़ी बार बताया है कि मुझे ना ये वाला काम बहुत ही ज़्यादा जान पे आता है, मतलब बर्तन जो धुले हुए हैं वो अपनी जगह पर रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए।
तो ये ना मैं थोड़ा सा सोचती हूँ कि यार, और ना मेड का बता रही हूँ मैं आपको, मेड ना एक दिन आती है एक दिन नहीं आती है, ऐसे करके मैं जो परेशान कर रही है। तो 2 दिन के बर्तन आज उसने धुल के दिए थे मुझे, 2 दिन के बर्तन ऐसे ही पड़े थे। तो ऐसा ही होता है मेड, अगर आप रखते हो ना, तो अगर मैं खुद से करती थी तो मैं तुरंत उसी टाइम जैसे ही बर्तन निकलते थे उसी टाइम मैं बर्तन धो देती थी। तो हम जब करते हैं तो हम उसी टाइम कर देते हैं, बर्तन ज़्यादा जमा नहीं होते हैं। तो मेड की अगर आप बात करो तो मेड के लिए ना बर्तन वैसे ही रखने पड़ते हैं, और वो कब आती है उसके टाइम से आती है, और उसके टाइम से कभी कभी नहीं आती है। तो दूसरे दिन फिर 2 दिन वैसे ही बर्तन पड़े थे, 2 दिन के बर्तन इतने सारे निकले थे और उसने आज धोए थे। तो इतने सारे मुझे लगाना इतना जान पे आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर इतने सारे लगाओ, फिर उसमें ना टेंशन आ जाता है, इतने सारे दिख जाते हैं बर्तन, तो उसको तो धोने में टेंशन नहीं आता है, बट मुझे ना लगाने में बहुत ज़्यादा टेंशन आता है। तो मैं इसीलिए इनको बोल रही थी कि मैं नहीं लगाती हूँ मेड, बट ये सुनी नहीं रहते, नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, बार बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये है वो है, लगा लो करके। तो इसी वजह से लगाना पड़ा, मैं नहीं चाहती थी लगाना बट मजबूरी थी, मजबूरी की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। तो अभी थोड़ी सी एक तो हेल्प मिल जा रही है मुझे, ऐसा कुछ नहीं है प्रॉब्लम, मतलब उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रहा, बट टेंशन ये है कि बाद में फिर वो इतने सारे बर्तन धुल जाने के बाद लगाने का, सबसे ज़्यादा तो मुझे इसी काम में, पता नहीं लोगों को, मुझे डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट काम मुझे ये लगते हैं, मतलब ईजी लगते हैं, बट ये वाला काम मुझे पता नहीं क्यों डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा जान पे आने वाला काम है मेरा, बस कैसे तैसे मैं लगा लेती हूँ बर्तन मेरे, क्योंकि उसी जगह पर लगाने होते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा ध्यान भी देना होता है कि नहीं यार मैंने ये वाली चीज़ कहाँ पे रखी थी, ये वाली चीज़ कहाँ पे है, तो वैसे ध्यान में आ जाता है। जैसे हम लोग डेली निकालते हैं, जैसे हम लोग डेली रखते हैं, तो आ ही जाता है ध्यान में। तो गाइज ये है वो कुकर जो मैं कल आपको दिखाना चाहती थी, मतलब ये है फ्यूचर का कुकर जो मैंने आपको बोला नहीं था, विजल ऊपर से है इसकी विजल, तो ये है फ्यूचर कंपनी से है ये। हाँ ये देखिए, तो ये है वो कुकर और ये है 3 लीटर का कुकर। तो यही मैं आपको दिखाना चाहती थी कल, क्योंकि कल ये धोने के लिए था तो इस वजह से मैं आपको कल दिखा नहीं पाई। मम्मा ला नहीं इतने का तू, मग आप तो जाके आ गए ना, दर्शन करके आ गए ना, तो अब हमारे साथ किस लिए आ रहे हो? मी में यू, ठीक है चलो। और हाँ, किसी ने ये पूछा था कि ये वाला हमने क्या है, ये टायर का बनवाया है हमने, मतलब बनवा के लिया है ये टायर का, दो चार है ये टायर, गाड़ी के टायर थे उसका ये बनवा के लिया है। इसमें स्टैंड है नीचे लगाया हुआ, मतलब, और हाँ इसके अंदर ना हम लोग शू वगैरह भी रख सकते हैं, तो इसके अंदर हम लोग ऐसे शू वगैरह रखते हैं, और इसके ऊपर ये वाला ऐसे रख देते हैं बैठने के लिए। तो इस तरह से ये शू स्टैंड भी हो जाता है और बैठने के लिए भी हो जाता है। तो ये हमने पोर्च में रखा है, एक्चुअली ये बाहर रखा था पहले, तो अभी पोर्च में रखा है ये। गाइज हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, एक्चुअली आज है गजानन महाराज का प्रकट दिन। तो जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था भाई के एंगेजमेंट में शेगांव गए थे हम लोग, तो शेगांव में गजानन महाराज का मंदिर है, और यहाँ पर जो छोटे छोटे मंदिर है गजानन महाराज के, वहाँ पर प्रोग्राम होता है गजानन महाराज के प्रकट दिन पे। तो आज दर्शन के लिए जा रहे हैं हम लोग, पास में ही है मंदिर वैसे। हाँ हो मी पे नहीं थे, अद्विक तो पहले भी जाके आ गया है उसके पापा के साथ, और आ रहा है, माही और मैं जाने की थी तो हम लोग अभी जा रहे हैं। गाइज ये जो मंदिर है वो हमारे घर के पास ही है, मतलब दूसरी कॉलोनी में, तो पड़ोस में ही है, बट यहाँ पर हम लोग दर्शन के लिए आए थे। और ना यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा डेकोरेशन किया था उन्होंने, बहुत अच्छा सजाया था मंदिर को, और अंदर भी बहुत अच्छा सजाया था, देखिए आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सजाया था उन लोगों ने, मतलब फ्लावर का डेकोरेशन बहुत अच्छा किया था। और आज का दिन तो स्पेशल ही होता है, मतलब हर गजानन महाराज के मंदिर में तो आज
प्रोग्राम होता है या खाना होता है, ये सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पर हम लोग इसी वजह से दर्शन करने के लिए आए थे। और ना बाहर वो भी चल रहा था, मतलब क्या बोलते हैं तो कीर्तन प्रवचन नहीं बोलते हैं, तो वो भी था। महाराज आए हुए थे यहाँ पे कीर्तन करने के लिए, तो वो भी चल रहा था बाहर। और इसी वजह से मुझे ना आवाज़ इसका म्यूट करना पड़ा, कुछ भी नहीं मतलब दिखा, मतलब आवाज़ मैं सुना सकती थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर था, आवाज़ भी नहीं आता आपको अच्छे से। और यहाँ पर हम लोगों के दर्शन हो जाने के बाद हम लोग फिर बाहर गए। बाहर भी बहुत ही अच्छे से रंगोली वगैरह निकाली थी, मतलब जो गजानन महाराज की जो पेंटिंग है उसकी रंगोली निकाली थी, तो वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। बहुत ही अच्छी रंगोली, मतलब डिक्टो जो गजानन महाराज का फोटो है उसकी रंगोली निकाली थी। और यहाँ पर अद्विक ना, अद्विक को मंदिर वगैरह आना इतना अच्छा लगता है, मतलब उसको, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है मंदिर आने के बाद। और ये है वो रंगोली, आपको पता चल रहा है कि ये रंगोली है, मतलब बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि ये पोस्टर है, बट रंगोली थी वो। और यहाँ पर आप देख सकते हो अद्विक ना मतलब हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था भगवान को, वहाँ पर कृष्ण भगवान का वो टाइल्स लगाई हुई थी मंदिर, ये इसको तुलसी के वो पॉट को, तो वहाँ पर आप देख सकते हो टाइल्स लगाई थी, तो उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था कि ताकि वो दर्शन कर सके, बट उसका हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो इसी वजह से मैंने उसको हाथ लगाया ऐसे। उसे मंदिर आता है ना तो उसका दिल खुश हो जाता है, मंदिर आना उससे बहुत ज़्यादा पसंद है। मंदिर हर सैटरडे उसको मतलब मंदिर लेके जाता है, ये हर सैटरडे के दिन हनुमान जी के मंदिर जाता है उसके पापा के साथ, बहुत अच्छा लगता है उसे और बहुत खुश हो जाता है मंदिर से आने के बाद। मैं रेडी हो गई हूँ जिम के लिए, नहीं वो जिम के लिए रेडी हुई हूँ और मैं जा रही हूँ जिम, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया जिम नहीं गई हूँ और इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज जिम जाके आते हैं, मतलब आज से स्टार्ट करती हूँ और बहुत ज़्यादा लेट हो गया एक्चुअली, बट कोई बात नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर स्टार्ट नहीं कर पाऊँगी इसी वजह से। तो चलिए मैं जाके आ जाती हूँ पहले, उधर से आने के बाद मिलती हूँ आपसे। अरे अच्छा और कवर है गाड़ी और माजा, एक मिनट। खत्म हो गया है और मैं जाने वाली हूँ घर। एक्चुअली आज थोड़ा सा कम ही किया क्योंकि फर्स्ट तो मतलब इतने दिनों के बाद आई हूँ इसी वजह से। चलिए फिर घर चलते हैं और घर पे जाके मिलते हैं। अरे बाप रे, सो गाइस घर पे आ गई हूँ मैं और आज ना फर्स्ट डे, मतलब कितने दिनों के बाद गई और आज लेग्स किया मैंने, मतलब लेग नहीं करना चाहिए था, आज लेग्स किया। अभी हालत टाइट होने वाली है मेरी। कहाँ पे? कार में क्यों? मेरी योगा मैट कार में डाल दी तो। हाँ क्या बोल रही वाली, हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने आज लेग्स नहीं करना चाहिए था, लेग्स किया मैंने और आज तो हालत टाइट होने वाली है मेरी, क्योंकि पता नहीं अभी कल मैं जा पाऊंगी या नहीं, बट आज मेरे लेग्स इतने पेन करने वाला है, इसी वजह से मैं डर की वजह से नहीं जा रही थी, क्योंकि ना अगर जाती हूँ कोई भी, मतलब कोई भी अगर ट्राइसेप बाइसेप किए या लेग्स किए या कुछ भी किया तो बॉडी पेन करने ही लगती है और फिर दूसरे दिन जाने का मन नहीं करता है। फिर भी कल जाना तो पड़ेगा ही, अभी रेगुलर स्टार्ट करती हूँ तो पता नहीं अभी कितने दिन मतलब रेगुलर हो पाएगा, बट अभी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब वो हो रहा है कि ये हो गया अभी विंटर हो गया, मतलब विंटर में ना खाना बहुत ज़्यादा जाता है और पानी कम जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा फैट मुझे लग रहे थे पेट के साइड में और वहाँ पे तो, और लोअर पोर्शन तो मेरा थोड़ा सा है ही, बट अभी उसको भी कवर करना है और बाकी का भी फैट कम करना है। तो चलिए अभी इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया आने के लिए वहाँ से और थक भी बहुत गई हूँ, तो इस ब्लॉग को यही पेंट करती हूँ। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स, वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। और हाँ आज मुझे एक मेरी व्यूवर मिली थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उनसे मिलके भी, मतलब जब मैं ट्रेडमिल कर रही थी एक्चुअली वो जिम में आए और मेरे लिए वेट कर रही थी कि मुझसे बात करनी है करके, तो जिम ट्रेनर बोल रहे थे कि आपसे बात करनी है उनको, तो मैंने बोला पता नहीं मतलब पहचानती होगी या कुछ जिम से रिलेटेड बात करनी होगी, तो जैसे ही गई तो उन्होंने बोला कि आप व्लॉग्स डालते हो ना तो मतलब मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ,
तो मैंने बोला अच्छा, तो वो मुझे अच्छा लगा और उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझसे मिलकर, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो चलिए, मुझे लगा भी नहीं था कि मेरे जिम में ही कोई मेरी सब्सक्राइबर मिल जाएगी। सब्सक्राइबर पता नहीं सब्सक्राइबर है या नहीं है, बट व्यूवर है पक्का। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।